मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, करंटली हम लोगों ने एक नया होम बाय किया है, सो आई एम ग्लैड कि मैं आपके साथ में ये हैप्पीनेस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एंड तब मैंने ये सोचा कि वहाँ की जो किचन है, बेसिकली जो किचन अभी हमने उसमें कुछ नहीं कराया है, मॉड्यूलर किचन है, तो बहुत ही रॉ है। तो आई थॉट कि आपको एक पूरी किचन का ओवरव्यू दिया जाए एंड आप फिर अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको किचन कैसी लगी। एंड बहुत ज्यादा बड़ी किचन नहीं है, छोटी किचन है, वेरी स्मॉल साइज किचन है, बट उस किचन को पूरा मॉड्यूलर किया गया है एंड बहुत छोटी, बहुत न्यूक्लियर फैमिली के लिए बहुत इजी टू यूज कंफर्टेबल किचन है। एंड बाकी इस किचन में हाफ पार्ट किचन है एंड फिर उसके साथ में लगा हुआ आपका डाइनिंग एरिया है एंड फिर एक कंप्लीट पूरा ओवरव्यू आता है गार्डन का। तो चलिए देखते हैं एंड आप अपने फीडबैक्स मुझे जरूर दीजिएगा आपको मेरी नई छोटी प्यारी सी किचन कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक ग्रुप पर, मेरे फेसबुक ग्रुप पर लिंक ये रहा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द किचन, ये मेन डोर है किचन का। अब मैं एंटर कर रही हूँ इसमें एंड ये एक पूरा ओवरव्यू है मेरी छोटी सी किचन का। यहाँ पर मैंने पूरी जगह रोटेट किया है तो आप देख सकते हैं कि पूरा फर्निश्ड होकर रखा है, मॉड्यूलर किचन बनी है विद प्रॉपर कैबिनेट्स। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि यू शेप में स्लैब लगा हुआ है, स्लैब एरिया है, तो बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज्यादा स्पेशियस है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है, बट यस कम्फर्टेबल एंड ईजी टू यूज एक छोटी फैमिली के लिए सफिशियंट किचन है। ये तो हुआ किचन का पार्ट। एंड यहाँ पर इधर आप देख सकते हैं फ्रिज रखने की जगह है, जहाँ पर मैंने अभी करंटली रेफ्रिजरेटर रखा है, स्मॉल रेफ्रिजरेटर अप्रॉक्सिमेटली 255 liters का। अभी जैसे कि इवनिंग हो चुकी है एंड ठंड है तो 5:30-6 बजे के आसपास में बिल्कुल दिन ढल जाता है तो थोड़ा डार्क हो गया, बट आप जैसा कि देख सकते हैं हल्का व्यू कि लाइट्स वगैरह जली हुई है। पूरा ये पार्क एरिया है, ग्रीनरी है, फ्लश ग्रीनरी है एंड उसके जस्ट सामने एक अच्छा व्यू है। तो मैंने क्यूट छोटी सी डाइनिंग टेबल रखी है एंड विच इज वेरी क्यूट, 4-seater है। तो ये मेरा डाइनिंग एरिया हो गया। तो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द किचन, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाइनिंग एरिया भी है, काफी सफिशिएंट स्पेस है डाइनिंग एरिया की एंड एक छोटी सी किचन है। अब आइए देखते हैं कि किचन में हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं और किस तरीके से मॉड्यूलर किचन डिजाइन हुई है। जो फ्रंट साइड है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एरिया है, जो फ्रंट साइड है, यहाँ पर 4 cabinets दिए हैं एंड बीच में चिमनी दी है और ये स्पेस जो नीचे काउंटर टॉप है वो आपका स्टोव के लिए, आपका आपकी हॉब के लिए स्पेस दिया रखा है। लेट्स सी कबर्ड साइज कितना है। सो ये 2 cabinets हैं, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, रेक्टेंगुलर शेप में है। सो बेटर हो सकता था थोड़ा कि अगर इनमें इनको थोड़ा सा और बड़ा किया जाता एंड इसमें पार्टीशंस किए जाते तो अच्छी स्पेस हो जाती चीजें रखने के लिए, कंफर्टेबल रखने के लिए, बट छोटा है तो बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है। एंड इसमें जो एक चीज मुझे लैक लग रही है, जो कमी लग रही है, वो है डिवाइडर्स की, जो पार्टीशंस की। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर चिमनी इंस्टॉल करवाई है मैंने, सो दिस इज आवर चिमनी। एंड जो एक मुझे अच्छी चीज लगी है यहाँ पर कि ऊपर की जो फॉल सीलिंग है पूरी डक्टिंग कवर की है, जो पाइप होता है चिमनी का वो पूरा कवर किया हुआ है एंड बिल्कुल भी कोई भी चिमनी का पाइप उस तरीके से दिख नहीं रहा है, अदरवाइज अगर दिखता तो बहुत गंदा लगता। सो पूरा अंदर इंटरनली कवर्ड किया है एंड इस तरीके से बाहर आउटलेट देके रखा हुआ है। सो मैंने चिमनी का पाइप जो है वो बिल्कुल इंटरनल रखा है एंड फाइनली जो आप देख सकते हैं उधर की तरफ जो है ऊपर की तरफ वो उसका चिमनी का आउटलेट है। एंड अब इधर आते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक कवर्ड दे रखी है बट काफी सफिशियंट नहीं है, बहुत ही हैपाजेंट मैंने तरीके से, मैं बोलूं कि बहुत ही अजीब तरीके से कबर्ड डिजाइन की हुई है। सो आई एम नॉट रियली सेटिस्फाइड विद द पैटर्न ऑफ कबर्ड्स। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि अगर मेरी चीज है तो वाओ इट्स सो ग्रेट, इट्स सो नाइस, बट यस कबर्ड्स मुझे एक छोटा सा ड्रॉबैक लगा, जो कि बहुत एसेंशियल होता है चीजें रखने के लिए, बट इन दिस व्हाट एग्जैक्टली आई कैन डू, मैं इसमें डिविजन्स में इनमें पार्टीशंस वगैरह ईजिली कर सकती हूँ अपने तरीके से एंड फिर उसके बाद में और स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। मेरे राइट की तरफ आप देख सकते हैं कि आरओ का कनेक्शन देके रखा है, बट यहाँ पे सिर्फ आरओ का कनेक्शन आ सकता है, गीजर वगैरह का आउटलेट नहीं है। एंड नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंक है, थोड़ा सा सिंक है, बट उसके ऊपर ये इन्होंने काफी अच्छी चीज दी हुई है कि जो भी गीले बर्तन होते हैं, जैसे हमारे यूटेंसिल्स धुलते हैं, तो हम उनको इजिली यहाँ पर लगा कर रख सकते हैं जिससे कि उनका पानी बिल्कुल निकल जाए एंड फिर उसके बाद में नीचे ये ड्रेन हो सकता है। सो दिस इज द गुड थिंग विच आई फाउंड के किचन में होना चाहिए, जिससे कि हर तरफ गीला नहीं रहे, हर तरफ हम बर्तन ना फैलाएं,
सीधा धोया, वॉश किया एंड फिर ऊपर हम बर्तनों को लगा कर रख सकते हैं। सो सफिशियंट स्पेस है, अलग अलग तरीके के उसके मोल्ड्स भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वायर, कहीं पर वायर पतली है पीछे एंड की तरफ एंड बाकी चौड़ी है, एंड आप कटोरी बाउल्स वगैरह भी इजिली रख सकते हैं। सो दिस इज अ गुड थिंग। अब हम आते हैं नीचे वाले काउंटर्स पे। सो ये सिंक के नीचे का काउंटर है, प्रॉपर इन्होंने क्लीनिंग एरिया बनाया हुआ है एंड यहाँ पे डस्टबिन रखने की भी स्पेस दी है एंड छोटा सा राउंड डस्टबिन का होल्डर दे रखा है जिसमें मैंने डस्टबिन अभी लगाया हुआ है एंड विच इज वेरी क्यूट एंड बहुत ईजी है। सिर्फ आपको अपना कैबिनेट खोलना है एंड बस जो भी गंदगी होती है वो आपको डस्टबिन में डालनी है। सो इजी टू यूज। और यहाँ पे इस स्पेस में आप जो भी आपकी क्लीनिंग की चीजें होती हैं, कोलिन हुआ, फिनाइल हुई, हार्पिक वगैरह, वो आप इजीली यहाँ पर रख सकते हैं। सो इट्स अ गुड प्लेस टू यूटिलाइज। अब हम आते हैं इसके साइड वाले कैबिनेट्स में। इस तरीके से यहाँ पे रोलिंग शेल्फ दी गई है जो कि वायर्ड है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड के हम यहाँ पे हैवी हैवी चीज़ें या कुकर्स वगैरह होते हैं वो इस तरीके से आराम से रख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस भी है। सो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, हम इजीली यहाँ से चीज़ें निकाल सकते हैं एंड आराम से रख सकते हैं विदाउट एनी पेन और हैसल। यहाँ पर तीन ड्रॉज देके रखी हुई हैं, ये अलग अलग तीन ड्रॉज हैं, ऊपर की दो थोड़ी छोटी है रिलेटिवली एंड नीचे की ड्रॉर जो है वो बड़ी है। जैसा कि आप साइज देख सकते हैं, थोड़े ड्रॉर का नीचे वाली का साइज थोड़ा छोटा है, अगर लंबा होता अंदर तक तो ज़्यादा अच्छा होता, जिससे कि और ज़्यादा चीज़ें आ सकती थी। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट कैबिनेट पर और इसको मैं इस तरीके से ओपन कर रही हूँ एंड आप ये देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली इन्होंने वायर्ड एक कैबिनेट बनाया है जिसमें काफ़ी सफिशियंट स्पेस है। आपको ग्लासेस अपने रखने हैं और कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखनी है तो आप इस तरीके से इस एरिया में बहुत ईजिली रख सकते हैं। सो ये स्पेस काफ़ी अच्छी तरीके से एंड ब्यूटीफुली बहुत क्यूटली यूटिलाइज की गई है। इस कैबिनेट में आप देख सकते हैं कि वायर्ड रैक्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, काफ़ी हैवी चीज़ें भी आ सकती हैं एंड ईजिली आप अपने बर्तन वगैरह यूटेंसिल जो हैं वो ईजिली रख सकते हैं। सो इसमें सफिशेंट स्पेस है। एंड फाइनली एक और कैबिनेट है जो कि जो आपका साइड एरिया जो बच जाता है, जो वेस्ट हो जाता है, उसको भी काफ़ी ब्यूटिफुली यूटिलाइज किया है एंड छोटी सी एक स्पेस बना दी है जिसमें कि आप अपना काफ़ी स्टोरेज रख सकते हैं। जैसे कि हम एक साथ 5-5 लीटर के ऑयल वगैरह लेकर आ सकते हैं तो वो हैवी वाली चीज़ें यहाँ पर ईजिली स्टोर हो सकती है। एंड अब हम अगर इधर चलते हैं सो वी कैन सी बेसिकली कि यहाँ पर फ्रिज का एरिया रखा हुआ है और ईजिली हम यहाँ पर छोटा सा फ्रिज है जो हम रख सकते हैं एंड ईजी टू यूज़ है, ईजी टू एक्सेस है, तो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस भी नहीं है। फ्रिज और काउंटर टॉप के बीच की जो जगह है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट है। सो आराम से आपका मूवमेंट भी हो सकता है, आप ईजिली मूव कर सकते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। एंड ये रहा हमारा स्वीट डाइनिंग एरिया, एक डाइनिंग कॉर्नर है जहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बहुत ईजिली कर सकते हैं। इधर उधर कहीं पर भी बैठने की ज़रूरत नहीं है एंड ईजिली हम अपना साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच जो भी है वो मील्स कर सकते हैं। अब आए थोड़ा सा सर्कुलेशन की बात, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है, तो जिससे कि जो भी धुआं होता है, जो भी रेसिडुअल्स होते हैं, वो जो भी स्मेल होती है खाने की वो ईजिली सर्कुलेट हो जाए। तो बाहर एक यहाँ पर छोटा सा एग्जॉस्ट फैन दे रखा हुआ है एंड दीज आर द ट्यूब लाइट्स। और ऊपर हम सीलिंग में देखें, कोई फॉल सीलिंग नहीं है, जस्ट नॉर्मल प्लेन सीलिंग है, डिसेंट, एंड एक फैन देख के रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये एक ओवरऑल व्यू है मेरी किचन का एंड अभी इवनिंग है इसलिए मैं शायद आपको बाहर का जो व्यू है एग्जैक्टली वो नहीं दिखा पा रही हूँ, बट आई डेफिनेटली शेयर सम पिक्स विद यू। सो जिससे कि आप रियलाइज करेंगे कि बिल्कुल बाहर आपको प्लश ग्रीन एरिया दिखता है विद पार्क फेसिंग एंड इट्स लाइक रियली ब्यूटिफुल। आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बहुत अच्छे से, बहुत शांति से, बहुत सुकून से कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आई लव दिस प्लेस एंड न्यूक्लियर फैमिली के लिए एक सफिशिएंट किचन है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी किचन पसंद आई होगी। अपने फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, अपने व्यूज, अपने कमेंट्स मेरे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।